मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, आराधना तेरी आराधना। ये मेरे ईश्वर मेरे प्रभु, आराधना तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। ये मेरे यीशु मेरे प्रभु, 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 आराधना तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। ये पावन आत्मा मेरे प्रभु, आराधना तेरी आराधना। पावन आत्मा मेरे प्रभु, आराधना तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। हे मेरे यीशु मेरे प्रभु,
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा महिमा गान करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु दिल से, क्योंकि आपने हम सभी लोगों को ये सुअवसर प्रदान किया है कि हम आपके साथ इस समय को गुजारें। धन्यवाद प्रभु यीशु। कई लोगों को ये अवसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपने हम सबों को ये सुअवसर दिया है कि हम लोग आपके सानिध्य में आकर आपके साथ समय बिताएं। हे पिता ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। प्रभु यीशु, आपने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप हम सभी लोगों को विश्राम प्रदान करते हैं। थके मांदे हम सभी लोगों को आप विश्राम देते हैं, परेशानियों में जकड़े हुए लोगों को आप शांति प्रदान करते हैं। इस वक्त हम आपके पास आए हैं, हमारे सुख दुख सब कुछ आपके साथ बांटने के लिए, विशेष करके देश भर में और संसार भर में व्याप्त जो डर है उसको लेकर हम आपके पास आए हैं। हे प्रभु, कोरोना वायरस के चलते सभी लोगों के अंदर मन में एक आतंक पैदा हुआ है। हे प्रभु यीशु, इस डर के साथ हम आपके पास आए हैं। हे प्रभु यीशु, दिल से हम आपके पास आए हैं, अपने आप को आपके हाथों चरणों तले हम लोग अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि क्योंकि आपने कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। जी हाँ प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं, पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है, आप हमारे उद्धारकर्ता है, तारणहारा है, हम सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं, हम सभी लोगों को परेशानियों से निकाल कर हम सभी लोगों को विश्राम प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं प्रभु यीशु, इस संध्या के समय में अपनी सारी परेशानियों को आपको सुनाने के लिए, आपके साथ वक्त बिताते हुए आपसे आशीष पाने के लिए। हे प्रभु यीशु, हमें से प्रत्येक को तो अपनी आशीष से तू भर दे, विशेष करके उन तमाम लोगों को हम आपके पास लाते हैं प्रभु यीशु, जो इस कोरोना वायरस के चलते डरे हुए हैं, उस कोरोना वायरस से बाधित हुए हैं, संक्रमित हुए हैं, उस कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के आसपास में हैं, उनके आस पड़ोस में हैं, एक तरह का डर उनके अंदर छा गया है। हे प्रभु यीशु, उन तमाम लोगों को आपके पास हम लोग लाते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपके पास उन सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और सारे स्वास्थ्य कर्मियों को और अटेंडेंट्स, जितने भी लोग अस्पताल में और अन्य स्थानों में संक्रमित लोगों की और मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उन सारे लोगों को भी लेकर हम आपके पास आए हैं प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने कहा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। जी हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे अंदर से आप भय दूर कर दीजिए, हमें शांति से भर दीजिए, हमें विश्राम दीजिए, हमारे बोझ को हल्का कर दीजिए,
हे प्रभु येसु, हे पिता ईश्वर, हे पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। एजिकियल के ग्रंथ से अध्याय 36 पद संख्या 27। मैं तुम लोगों में अपनी आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जो प्रभु के वचनों पर चलता है, उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा का वरदान देता है। जब शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, तब उन्होंने धैर्य के साथ पुनर्जीवित प्रभु के विषय में साक्ष्य दिया। तो आइए हम भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें और उनको हमारे हृदयों में आमंत्रित करें।
दिव्य कृपा की प्रार्थना। हे प्रभु येसु, आपने मृत्यु को गले लगाया, इसी द्वारा जीवन का स्रोत सारी आत्माओं के लिए बहा और सारे संसार के लिए करुणा का महासागर खुल गया। जीवन की फुहार असीमित दिव्य करुणा से भरे प्रभु, सारे संसार को ढक दीजिए और अपनी करुणा हम पर बरसा दीजिए और हम में अपने आप को रिक्त कीजिए। प्रभु येसु के हृदय से बहने वाला पवित्र लहू और जल, जो हमारा करुणा का फुहार है, हम आप पर विश्वास करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12। उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्यारे प्रभु, आपके इन वचनों पर विश्वास करते हुए सभी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को आपके चरणों तले लाते हैं। प्रभु, इन्हें स्पर्श कर और अपनी चंगाई प्रदान कर। हे परमपिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु येसु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। पिता हम पर और सारे संसार पर दया।
पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय एक, पद संख्या 12। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। तो आइए इस भेद में सभी युवक युवतियों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हे प्यारे प्रभु, आप उनका मार्गदर्शन कर, उनका पथ प्रदर्शक बनकर उनके साथ चल, ताकि वह अपनी सारी शक्ति आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करें और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें। हे परमपिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु यीशु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु के दर बिना दुख भोग के नाम पर, अबा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर बिना दुख भोग के नाम पर, अबा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के के नाम पर, पापा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, पापा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम, पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, आबा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, आबा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, आबा पिता हम पर संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्द ना दुख भोग के नाम पर, आबा पिता हम पर संसार पर ग्रंथ 23, पद संख्या 4। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े,
मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। हे ईश्वर, आपके समक्ष सभी बुजुर्गों को रखते हैं, विशेष रूप से जिनका कोई नहीं है। आप उनका सहारा बनिए और उन्हें अपनी सांत्वना प्रदान करें। हे परमपिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु येसु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। शक्तिमान हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कीजिए।
स्त्रोत ग्रंथ 145 पद संख्या 14। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। हे त्राणकर्ता, हमारे रक्षक और भला गडेरिया, सभी गरीबों और निसहाय लोगों को आपके चरणों तले रखते हैं, विशेष रूप से जो इस समय बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए तक कुछ नहीं है। हे पिता, आप उनकी देख रेख कर और उनकी जरूरतों को पूरा कर। हे परमपिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु येसु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। प्रभु येसु के दारुण दुख भोगो स्मरण के द्वारा हया करो ये पिता, हम पर और सारे संसार पर। प्रभु येसु के दारुण दुख भोग स्मरण के द्वारा दया करो ये पिता, हम पर और सारे संसार पर। प्रभु येसु के दारुण दुख भोग स्मरण के करो ये पिता, हम पर और सारे संसार पर। प्रभु येसु के दारुण दुख भोग क्रूस स्मरण के द्वारा दया करो ये पिता, सारे संसार पर। प्रभु येसु के दारुण दुख भोग क्रूस स्मरण के द्वारा दया करो ये पिता, हम पर और सारे संसार पर। प्रभु येसु के के द्वारा दया करो ये पिता, हम पर और सारे संसार पर। प्रभु येसु के कारण दुख भोग क्रूस स्मरण के द्वारा दया करो ये पिता, हम पर और सारे।
सर्वशक्तिमान हे पावन अमर दया करो हे पिता हम पर और सारे संसार पर हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 10। प्रभु ईश्वर तुम्हें अपने सब कामों में आशीर्वाद देगा। प्यारे प्रभु, आपके आशीष के लिए सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसकर्मी और सब नेताओं को आपके पावन हाथों में सौंपते हैं, जो इस समय पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। उनकी मेहनत को सफलता प्रदान कर और उनको अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। हे परमपिता, आपके प्रिय पुत्र एवं हमारे प्रभु येसु का दिव्य शरीर और लहू, आत्मा और ईश्वरता हमारे और सारे संसार के पापों के लिए हम आपको अर्पण करते हैं। Please।
अंतिम प्रार्थना। हे परम पावन शाश्वत ईश्वर, तू दया सागर है, तू करुणा का स्रोत है, अपनी करुणा की दृष्टि हम पर डाल और हमें अपनी कृपा से भर दे, ताकि कठिन क्षणों में हम निराश ना हो पर पूरे विश्वास के साथ आपकी पवित्र इच्छा में स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि आपकी इच्छा ही स्वयं प्रेम और दया है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। आपने हमें अपने अपने घरों में, विशेष रूप से YouTube के द्वारा आपकी आराधना करने का एक शुभ अवसर दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक पल के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हे प्यारे प्रभु, इस वक्त हमारे परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, कुछ सदस्य हमसे दूर हैं, विदेश में हैं या कहीं और जगह पर कार्य कर रहे हैं। इस आपातकाल में हे प्यारे प्रभु यीशु, हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, युवाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, बीमारी से पीड़ित लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से ये प्यारे प्रभु यीशु, उन लोगों को, उन गरीब लोगों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं इस वक्त। ये प्यारे प्रभु, जिन्हें एक थूक की रोटी नसीब नहीं होती है, ये प्यारे प्रभु, भोजन के लिए इधर उधर फिरते जा रहे हैं। प्रभु, आपने अनेक लोगों को खिलाया था, आपने चमत्कार के द्वारा अनेक लोगों को खिलाया और पिलाया। हे प्यारे प्रभु, उन सभी गरीब लोगों पर तरस खा। हे प्यारे प्रभु, उनके साथ रह, उनकी रक्षा कर। हे प्यारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं आप इस पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, तू ही हमारा सहारा है, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। प्रभु यीशु, आप ही के द्वारा हमारे लिए मुक्ति है, आप ही के द्वारा हमें शांति मिलेगी, आप ही के द्वारा हमें आनंद मिलेगा। प्रभु का
प्रतिदिन दिल मेरा तेरा देखा ना तेरा जैसा केवल हार देखा ना तेरे